आप लोगों से कि फायर तरीवी साहब हमारे कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर पांडुरंग कोले जी, जम्मू के हमारे डिपकॉम राघव अंगर जी और रेड क्रॉस के सभी ऑफिस बीरर्स वॉलंटियर्स, सबसे पहले पिछली बार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप लोगों ने जिस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जम्मू कश्मीर के आवाम की सेवा में जिस तरह से आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, मैं रेड क्रॉस के सभी ऑफिस बियर्स और वॉलंटियर्स का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबको मालूम है कि कोरोना की सेकेंड वेव देश में और जम्मू कश्मीर में भी एक नई चुनौती बनकर उभरी। कल हम लोग एक बैठक कर रहे थे कि 11 जिलों में संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और इसलिए एक निर्णय कल हुआ है कि कल शाम से, आज शाम से और सोमवार सुबह तक 84 घंटे का एक लॉकडाउन 11 जिलों में किया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर जहां काम कर रहे हैं या फल सब्जी दूध मीट की जो दुकानें हैं, इनको इस बंदी से मुक्त रखा गया है ताकि सामान्य आदमी को कोई परेशानी या कठिनाई न हो। मोटे तौर पर हम सबकी मंशा है कि कोविड पर नियंत्रण भी पाना है और सामान्य आदमी को कोई तकलीफ न हो, इसका भी इंतजाम करना है। आप सबने जिस निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाया है, उसका व्यापक असर पिछली बार कोरोना के नियंत्रण में पड़ा। मैं आप सबकी इस भावना को प्रणाम करता हूं, फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूं, ये राष्ट्रीय दायित्व है और इस राष्ट्रीय दायित्व में फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ आप सब लोग जम्मू कश्मीर के सामान्य लोगों की मदद में आगे आवे और हमारे दोनों डिपकॉम कोई भी आपको जरूरत होगी तो इसमें पूरी सहायता करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सहयोग से कोरोना पर नियंत्रण पाने में हम सब सफल होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के जान की रक्षा करने में भी सफल होंगे। मैं फिर से आप सबको हृदय से एक बार धन्यवाद देता हूं। 23,930 masks more than 1.5 lakhs, hand soaps, hygiene kits 5,445, bathing soaps more than 1 lakh units, Red Cross material was provided to 300 each. Now, as the Red Cross down Jammu, approximately 8